टीम इंडिया ने आयरलैंड को 143 रनों से रौंदा। इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत की दर्ज। फिर चला कुंग फू पांड्या का जादू। इंग्लैंड को दिखाया ट्रेलर। टीम इंडिया ने आयरलैंड को डबलिन के मलाहाइट क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेले गए दो मैचों की टी20 सीरीज में दूसरे और आखिरी मुकाबले में 143 रनों से शिकस्त देकर टी20 फॉर्मेट में रनों के मामले में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को 2017 में 93 रनों से हराया था। इसी के साथ विराट ब्रिगेड ने दो मैचों की टी20 सीरीज जीतकर आयरलैंड का 2-0 से सुपड़ा साफ कर दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 4 विकेट गंवाकर 213 रन बनाए और आयरलैंड को जीत के लिए 214 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में आयरलैंड की टीम 12.3 ओवरों में 70 रनों पर ढेर हो गई। आयरलैंड के लिए कप्तान गैरी विल्सन ने सबसे ज्यादा 15 रन बनाए। विलियम पोर्टरफील्ड ने 14 और स्टुअर्ट थॉमसन ने 13 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाया और 3-3 विकेट झटक लिए। उमेश यादव को 2 सफलताएं मिली। सिद्धार्थ कौल और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिला। केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच और युजवेंद्र चहल को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत की बात की जाए तो भारत ने टी20 इंटरनेशनल में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।